हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, हम भी सब मस्त हैं और हम हो गए रेडी। आज है लास्ट दिन, तो हम जा रहे हैं उधर। आज तीनों साथ में जा रहे हैं। आज भाभी लोग नहीं आ रहे क्योंकि भैया की नाई ड्यूटी है, नहीं तो मैं उनके साथ चली जाती थी पहले और बाद में आते थे। और नैना के लिए ये पैकिंग भी लेके जा रही हूँ। इसके और पानी की बोतल है और हैंकी। आ जाओ, लाइट बंद कर देना। तो गाइड बने रहिए मेरे साथ एंड तक और आज देखते हैं क्या क्या होता है आज वहाँ, झांकी वाकी दिखने को मिलेंगे। तो देखते रहना आप भी और मैं आपको सब दिखाऊंगी जो जो आज होगा। लास्ट है आज, है ना? हाँ, चलो सुनो। तो गाइज, जाने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना। तो मिलते हैं अब आपको उधर जागरण में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणपति बप्पा हरे, मूर्ति हरे, गणपति बप्पा हरे, मूर्ति हरे। दो तीन चार, गणपति तेरी जय जय जय। दो तीन चार, इस स्वरूप को हमारे जाओ तेल घृत इत्यादि लाना चाहता है तो ला सकता है। और उसके बाद भोग और भंडारे में भी इस महाप्रसाद को आपने जरूर ग्रहण करना है और यहाँ पर प्रस्तुत होंगी। अनिष्का शर्मा, इस बिटिया का भी जन्मदिन है तो सभी लोगों से आशीर्वाद की आकांक्षी है कि इसका ये वर्ष मंगलमय रहे, सब और संपूर्ण जीवन भी मंगलमय रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ पर।
आज हल्ला रंग नहीं है यहाँ पर। हमारे समर्थन में 6 के 6 दिन रहा। संतों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आज बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय, ये सुप्रसिद्ध गणेश मित्र मंडली वो हमारे इस नवोदय नगर में इस भव्य गणेश प्रभु का हर वर्ष कार्यक्रम करती है। मैं एक बार आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि एक बार जबरदस्त तालियां हमारे इस मंडली के सभी साथियों के लिए जो हर वर्ष हमने हमारे नवोदय नगर में इतना खूबसूरत और सुंदर प्रारे। आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने हमें और हमारी पूरी टीम को रुक न पाए, क्योंकि ये गणेश प्रभु की इच्छा थी कि आज अंतिम दिन भी हम पहुँच पाए। हम प्रशंसा के साथ निवेदन भी करेंगे कि हर बार हमें ये बुलाएं और हम अवश्य आएंगे, और जितना जो यथासंभव सहयोग होगा वो हम तन मन धन से इस पूरी मित्र मंडली को देंगे। अभिनंदन। जो हाथ नहीं उठा रहा है और ताली नहीं है, शायद आपकी प्रार्थना बप्पा तक नहीं पहुंच रही है। तो हाल रहा ताली नहीं बहुत से भाई लोग, हाल रहा पीए शर्मा जी, हाल रहा दिग्नि राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि एक फौजी हमेशा फौजी रहता है, तो जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। हल्ला गैंग चिल्लाते रहो भाई, चिल्लाते रहो। ताली बजाते रहिए प्लीज, ताली बजाते। और ये हमारे सर श्री दरबार सिंह इनकलाब, जय हो प्रभु। मेरे मित्र कहने लगे यार अंकल जी गेट आ जाए, लेकिन दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं नहीं अभी मेहमान है, अभी कोई अंकल जी अभी कहा गया थे। तो उसी संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ मैं कि मैं जब आज़ाद हमारा देश हुआ तो मैं करीब 10 साल का था, तो अभी आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी उम्र क्या हो। मैंने वो जमाना देखा जब अंग्रेज लोग शासन करते थे और हमें किसी बात को कहने का भी कोई हक नहीं था। गाइस हम आ चुके हैं घर, अभी भी प्रोग्राम चालू था बट नैना रोने लग गई थी बीच में, तो मैं उसे लेके आ गई, उसके पापा भी आ गए, और क्योंकि बच्चे इतनी देर नहीं रह पाते हो तो फिर भी नैना रह लेती है, पानी पीते बीच में तो फिर रह लेती है। हम चले गए थे 8 बजे, तो 11 बज गए, 11:02 हो रखे अभी, और अब जाके हम डिनर करेंगे। बहुत ठंडा हो गया होगा खाना भी, अब गर्म करूँगी। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं इनको पूछती इनको कैसा लगा, तो बताओ कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा, झांकियाँ बहुत अच्छी थी, है ना, ऐसा लगा मतलब कि जैसा हम मूवियों में देखते हैं। नैनो कैसा लगा आपको? तो अभी उसका ध्यान फोन पे चला गया, नहीं तो अभी कर रही थी बहुत अच्छे से कर रही थी यहाँ पे। तो गाइस आज के ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये भी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, और पूरा सपोर्ट दीजिए हमें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।